हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशीष जैन। वेलकम टू माय चैनल कॉम स्कॉलर। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर डूइंग द सेकंड चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, दैट इज़ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। आई मस्ट से अगेन दैट दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड इजी चैप्टर। द थिंग इज़ दैट यू नीड टू रिकॉल द फॉर्मूलाज ईच एंड एवरी टाइम, बट द मेजर थिंग इज़ before applying any formula you need to understand the basic concepts of each and every topics in depth. Okay, so the name of the topic is, that is, measures of dispersion. Dispersion in the sense that is the that we are measuring the scatteredness of the series. Dekhiye, humne last video lecture mein humne ek chapter cover kiya tha, that is called measures of सेंट्रल टेंडेंसी। एंड इन दैट चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड द वेरियस टाइप्स ऑफ एवरेजेस लाइक मीन, मोड, मीडियन, ज्योमेट्री मीन, हार्मोनिमिक। तो अगर हमने ये सब एवरेज पढ़ लिया एंड एवरेज की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, दैट एवरेज बेसिकली टेल्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सीरीज। मीन्स अभी हम कोई भी सीरीज लें, अगर हम उसका एवरेज निकालते हैं, ठीक है, तो वो हमें एक कैरेक्टरिस्टिक बताता है कि उस सीरीज का एवरेज क्या है। ऑल राइट, बट अब हम सेकेंड चैप्टर पढ़े, दैट इज़ कॉल्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। अब ये चैप्टर पढ़ने की हमें नीड क्यों है, पहले तो हमें ये देखना है। सी, एवरेज में हमें बताता है कि एक सिंगल वैल्यू जो है पूरे सीरीज की एक कैरेक्टर बताता है, ठीक है। बट सपोज इफ़ यू आर कंपेयरिंग फ्रॉम वन ऑफ वन सीरीज फ्रॉम द अनदर सीरीज, देन इन दैट केस आप क्या करोगे, एवरेज तो निकालोगे। बट अगर मान लो दो सीरीज का एवरेज भी सेम आए, तो सपोज इफ आई राइट एग्जाम्पल, सपोज दिस इज ए सीरीज एंड दिस इज बी सीरीज, ठीक है। अगर मैं इसका डेटा लिखूँ, सपोज 10 10 10 10, ये आ गया, ठीक है। टोटल इज दैट इज 40, दिस इज द टोटल। एंड इफ आई कैलकुलेट द एवरेज वुड बी 10। एंड सपोज इन अनदर एग्जाम्पल, सपोज फॉर बी सपोज इफ आई टेक सपोज 10, ऑल राइट, देन 4, देन सपोज 16, एंड देन सपोज वी हैव सपोज 10 अगेन, ऑल राइट, एंड द टोटल वुड बी अगेन 40 एंड द एवरेज वुड बी अगेन 10। The average is same in the both series. Then how do we compare? Comparison hoga kya? Now in that case we will compare on the basis of dispersion. That means scatteredness of the series. That means scattered in the sense, that means how much the actual data is basically differ from the average. जैसे मैं example बोलूँ, अगर मैं example लें suppose इस series का, यहाँ देखें मैं बी सीरीज का एग्जांपल ले रहा हूँ। एक्चुअल दिस इज़ द एक्चुअल डेटा एंड दिस इज़ द मीन। तो अब हमें करना है एक्चुअल डेटा को मीन से कंपेरिज करना है, दैट मीन्स हाउ द एक्चुअल डेटा बेसिकली डिफर फ्रॉम द मीन, ठीक है। मतलब कितना दूर है या कितना पास है वो हम देखना चाह रहे हैं। ऑल राइट, सो यहाँ पर देखिए 0 10 माइनस 10, दैट इज़ 0, ठीक है। अब 4 माइनस 10 देखिए कितना कम है, दैट इज़ 16। एक्चुअल डेटा -6 कम है, यहाँ +6 ज़्यादा है, यहाँ 0 है। तो यहाँ पर देखिए कुछ वेरिएशन तो है स्टैंडर्ड, ठीक है ना, कुछ तो डिस्पर्जन है। सो यहाँ पर हमें देखना है, दैट इज़ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। दैट मीन्स सपोज इफ वी हैव सपोज मोर देन वन सीरीज एंड वी आर कंपेयरिंग एंड वी आर बेसिकली कंपेयरिंग विद रिस्पेक्ट टू द डिस्पर्जन। ऑल राइट, मीन्स जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे हमने सिर्फ ये देखा कि what is the meaning of average, how to calculate average, but in this second chapter we are basically studying the measures of dispersion as well as the how to compare, that means which series is more reliable and which series not. Okay, so this is the basic crux of measures of dispersion. Now as we have studied like various types of averages, now in this chapter we will also study the various types of measures of dispersion. तो पढ़ते हैं।
types of dispersion. कौन कौन से हमारे पास हैं डिस्पर्जन? फर्स्ट वन इज रेंज, सेकंड वन इज इंटरक्वार्टल रेंज, और क्वार्टल डेविएशन then third one is mean deviation and this is also known as average deviation then fourth one is one of the most famous measure that is standard deviation All right, and then last one is that is Lorentz curve. These all five types of dispersion we will study one by one. Okay, so let's discuss with the first type of dispersion that is range. The first one is that is range. So this is the most simplest method of studying dispersion. Bahut simple hai. The basic meaning of average that is the difference between the smallest item and the largest item in a series. Bahut simple hai. Means ek largest item ko smallest item se minus kar do, then we will get range. So रेंज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? रेंज इक्वल टू एल माइनस एस दैट इज लार्जेस्ट आइटम माइनस स्मॉलेस्ट आइटम, दैट्स इट. बट हमेशा याद रखना, जब भी हम कोई भी टाइप हम डिस्पर्जन पढ़ेंगे, इसमें भी आपके कुछ सब टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट मेजर, एंड द सेकेंड वन इज रिलेटिव मेजर. पहले हम इन दोनों में बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं कि इनका डिफरेंस क्या है, मतलब क्या इनका. देखिए एब्सोल्यूट मेजर इन द सेंस, जो जैसे देखिए अभी हमने जो ये टॉपिक पढ़ा दैट इज रेंज, इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने? लार्जेस्ट आइटम माइनस स्मॉलेस्ट आइटम, दिस इज एब्सोल्यूट मेजर. एब्सोल्यूट मेजर इन द सेंस व्हेन एवर वी आर कैलकुलेटिंग एनी टाइप ऑफ मेजर, एनी टाइप ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है, सो इट गिव अ सिंगल वैल्यू और एक आंसर, दैट इज दैट मीन्स हम बस उस वैल्यू से ही हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे वेदर दिस इज अ मतलब वेदर देर इज अ स्कैटर्डनेस और नॉट. मीन्स डेटा जो है ज़्यादा मतलब स्कैटर्ड है या नहीं है, ओनली विद द हेल्प ऑफ सिंगल वैल्यू, दैट्स इट. दैट मीन्स वी आर नॉट एक्चुअली डिपेंड ऑन दी अनदर, दैट मीन्स हम कोई बेस लेके चल रहे हैं. बट इन द केस ऑफ रिलेटिव मेजर वी विल टेक सम बेस और कंपेयर करेंगे विद दैट बेस, तो उसके अकॉर्डिंग कंपेयर करके देखेंगे कि वेदर डेटा हैव स्कैटर्डनेस और नॉट, दैट्स इट. ओके, सो यहाँ पर देखिए दिस इज द एब्सोल्यूट मेजर हो गया आपका, एंड जब सेकेंड पढ़ेंगे दैट इज रिलेटिव मेजर. यहाँ मैं लिख देता हूँ दिस इज द एब्सोल्यूट मेजर एंड द सेकेंड वन इज दैट इज रिलेटिव मेजर. रिलेटिव मेजर में हम क्या पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं हम दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज. फॉर्मूला सिंपल है, एल माइनस एस L प्लस एस, दैट्स इट. यानी कि हम क्या कर रहे हैं, दैट मीन्स अगर आप देखिए ये जितना
मीन्स कोफिशिएंट की वैल्यू, रेंज की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी दैट मीन्स उसमें स्कैटर्डनेस ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब देखिए आप न्यूमेरेटर में जो टर्म लिखी है दैट इज़ एल माइनस एस, ये डिफरेंस जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी आपकी कोफिशिएंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, दैट मीन्स देर इज़ सम डिस्पर्जन। ठीक है, वैल्यू कम होगी दैट मीन्स देर इज़ लेस डिस्पर्जन, वैल्यू ज़्यादा होगी तो दैट मीन्स डिस्पर्जन ज़्यादा है। ऑल राइट, सो दिस इज़ द एब्सोल्यूट मेज़र एंड दिस इज़ द रिलेटिव मेज़र, बहुत सिंपल है। नाउ लेट्स डू स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज द फॉलोइंग आर द प्राइजेस ऑफ शेयर्स ऑफ ए बी कंपनी फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। सैटरडे तो वैसे ऑफ होता है, चलिए एग्जाम्पल है। मंडे को देखिए प्राइस कितना, दैट इज़ 200, ट्यूजडे 210, वेंसडे 208, थर्सडे 160, फ्राइडे 220, सैटरडे 250। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट। बहुत ईजी है, देखिए क्वेश्चन नंबर वन। हमें क्या निकालना है, दैट इज रेंज, फॉर्मूले का होता है दैट इज एल माइनस एस। सो यहाँ पर देखिए लार्जेस्ट आइटम क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए लार्जेस्ट आइटम वुड बी 250 एंड स्मॉलेस्ट दैट इज 160। सो 250 लेस 160 दैट इज 19। सो ये क्या होगी, दैट इज रेंज। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, दैट इज इसका हमें कोएफिशिएंट भी निकालना है। सो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज दैट इज इक्वल टू एल माइनस एस डिवाइडेड बाई एल प्लस एस। सो ऊपर क्या देगा 90 एंड 410 दैट इज इक्वल टू 0.22। दैट्स इट, बहुत ईजी है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अभी आपको कौन सा डेटा गिवन है, दैट इज डी, ये आपको गिवन है कंटिन्यू सीरीज। इस केस में देखिए हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए थोड़ा कन्फ्यूजन होती है। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला वही रहेगा, सेम फॉर्मूला सेम रहेगा, कोएफिशिएंट निकालना दैट इज एल माइनस एस डिवाइड बाई एल प्लस एस, कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको लार्जेस्ट आइटम एंड स्मॉलेस्ट आइटम लेने का है, हमें लेना है दैट इज दी, यहाँ पर मार्क्स से लेना है मार्क्स। देखिए यहाँ पर लार्जेस्ट मैक्सिमम मार्क्स कितना होंगे 60, ठीक है, और कम से कम कितना होंगे दैट इज 10। ठीक है, तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से कंपेयर मतलब करना, आप कंसिडर मत करना, हमें से मार्क्स से मतलब है। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या जाएगा आपका, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज बिकॉज हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर डिस्पर्जन इन द मार्क्स, मार्क्स में बहुत वेरिएशन कितना है। सो यहाँ पर क्या जाएगा, देखिए 60 माइनस 10 डिवाइड बाय 60 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5/10 दैट इज इक्वल टू 0.714। दैट्स इट। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। अच्छा, अब हमारा ये नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाएगा, दैट इज द अनदर टाइप ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया दैट इज रेंज, अब सेकेंड है दैट इज इंटर क्वार्टल रेंज, और साथ में हम पढ़ेंगे दैट इज क्वार्टल डिविजन। तो पहले इसका बेसिक मीनिंग समझ लेते हैं। इंटर क्वार्टल रेंज देखिए यहाँ पर नाम से सजेस्टेड इंटर क्वार्टल रेंज, रेंज का मतलब वही सेम रेंज आपको समझ गए दैट इज़ हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, ठीक है मतलब समझ आ गया। बट यहाँ पर लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट किस में करना है, क्वार्टल में करना है। देखिए अगर आप क्वार्टल अगर ध्यान से समझें, क्वार्टल का मतलब देखिए आपने एक तो हमने फर्स्ट चैप्टर में एक कंसेप्ट पढ़ा दैट इज़ कॉल्ड मीडियन। मीडियन में हमने क्या पढ़ा, दैट इज़ दी डेटा वुड बी डिवाइड इंटू टू पार्ट, दैट मीन्स फर्स्ट 50 एंड द सेकेंड 50। The first 50 is less than median and the another 50 that is more than median, ये हमने पढ़ा था median में। But in the case of quartile, the data basically divide into four parts. Four parts में divide होता है, so that is Q1, that is Q2, that is Q3
एंड दैट इज़ क्यू फोर, ये होता हमारा डेटा। ठीक है, अब हम यहाँ पर आकर देखें, जैसे देखिए डेटा जब स्प्लिट होता है किस में होता है, मीडियन में। मीडियन किस में होता है, देखिए यहाँ पर आप, यहाँ आएगा मीडियन। ठीक है, अब मीडियन बेसिकली क्या कहता है, यहाँ पर देखिए अगर आप मीडियन यहाँ लाई कर रहा है तो अगर आप डिफरेंस देखो ये सेम होगा, डिफरेंस देखिए यहाँ पर जहाँ से देखिए डिफरेंस जो है वो सेम होगा। दैट मीन्स इन द केस ऑफ ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द डिफरेंस बिटवीन द टू क्वार्टाइल्स आर सेम, इक्वी डिस्टेंस में यहाँ पर देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है एंड ये भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, बेसिकली यस सॉरी, इसको मैं डेटा आपका फिर से बना देता हूँ। सपोज इन द केस ऑफ क्वार्टाइल द बेसिकली द डेटा इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स, ऑलराइट, एंड द मीडियन जो हमारी जो टर्म पड़ी थी हमने क्या पढ़ा था, दैट द डेटा बेसिकली स्प्लिट्स बिटवीन द टू पार्ट में डिवाइड है, दैट मीन्स फर्स्ट 50% एंड द सेकेंड 50%। अब जब क्वार्टाइल जो हम करते हैं तो इसका हमारा डेटा यानी सीरीज का डेटा आता कैसे है वो ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखिए ये आता है आपका, दैट इज़ क्यू वन एट द एंड, ओके, एंड ये क्या बन जाएगा आपका क्यू टू। क्यू टू कैसे बेसिकली कहते हैं मीडियन ही हो जाएगा। देखिए मीडियन क्या होता है, दैट इज़ हम क्या करते हैं, दैट इज़ मतलब पूरे पोर्शन का हाफ, तो वो क्या हो जाएगा क्यू टू हो जाएगा आपका। ठीक है, एंड जैसे देखिए आप समझिए जैसे क्वार्टाइल फोर पार्ट में डिवाइड करता है, इसका भी हाफ फोर में तो वो टू हो जाएगा, तो वो मीडियन तो बन जाएगा आपका बेसिकली। ठीक है, सो एंड दैट वुड बी क्यू थ्री एंड दैट वुड बी क्यू फोर, दैट मीन्स एंड में ही निकलता है जो निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब मीडियन अगर आप ध्यान से देखोगे, सो मीडियन यहाँ पर देखिए जो डिस्टेंस है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द क्यू टू एंड क्यू थ्री एंड द डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन द क्यू वन एंड क्यू टू आर बेसिकली इक्वी डिस्टेंस। तो इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, दैट इज इक्वी डिस्टेंस पे दैट इज मीडियन माइनस क्यू वन इक्वल टू क्यू थ्री माइनस मीडियन, इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। मीडियन माइनस क्यू वन दैट इज मीडियन, यहाँ पर क्या है दैट इज क्यू टू। ठीक है, तो क्यू टू माइनस क्यू वन एंड क्यू एंड क्यू टी सॉरी सॉरी मीडियन माइनस क्यू वन एंड क्यू थ्री माइनस क्यू वन, दैट मीन्स इक्वी डिस्टेंस में है, तो उसको इस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, याद रखना ये आपका कब आएगा, व्हेन वी हैव ए सिमेट्रिक डेटा, व्हेन वी हैव ए सिमेट्रिक। आप समझ गए होंगे सिमेट्रिक ए सिमेट्रिक, लास्ट चैप्टर में आता था ए सिमेट्रिक में क्या होता है, व्हेन द डेटा वी हैव दैट मीन्स जो बेल शेप्ड कर्व में आता है वेयर द मीन मोड मीडियन आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक डेटा, एंड व्हेन थ्री ऑफ देम आर नॉट इक्वल देन दैट इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक डेटा, ऑल राइट। सो यहाँ पर ही आपका यह हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इंटर क्वार्टल रेंज, रेंज क्या है, दैट इज हाइएस्ट टर्म माइनस द लोएस्ट टर्म। ठीक है, अब रेंज यहाँ पर किसकी बात हो रही है, क्वार्टल की, यानी कि मीडियन के, तब आपके मीडियन के किस तरफ से आपको सोचना है। ये देखिए मीडियन यहाँ पर आया आपका। ठीक है, तो इस केस में मीडियन के देखिए यहाँ पर क्या रहेगा, लो हाइस्ट टर्म के बनेगी दैट इज क्यू थ्री, लोएस्ट टर्म के बनेगी बनेगी दैट इज क्यू वन। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या मिलेगा आपका, देखिए यहाँ पर देखिए इंटर क्वार्टल रेंज में दैट इज क्यू थ्री माइनस क्यू वन, दैट्स इट। एंड देर इज अनदर टॉपिक दैट इज क्वार्टल डेविएशन, सिंपल है ये भी, कुछ नहीं करना आपको, क्यू थ्री माइनस क्यू वन डिवाइड बाई टू, दैट्स इट। इसमें और इसमें स्टूडेंट कन्फ्यूज मत होना, दोनों ही डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है, इंटर क्वार्टर रेंज है, सो सिंपल आपको डिफरेंस करना है, दैट इज क्यू थ्री माइनस क्यू वन इंटर और क्वार्टर डेविएशन है तो उसको डिवाइड बाई टू। याद करने का तरीका ये, अगर रेंज आ रहा है दैट मीन्स लोएस्ट टर्म माइनस
सॉरी हाईएस्ट टर्म माइनस लोएस्ट टर्म करना है, क्वार्टरली डेविएशन आ जाए तो डिवाइड बाई टू करना है, दैट्स इट। ऑल राइट, अब ये अगेन जो हमने पढ़ा, ये हमने क्या पढ़ा, दैट इज एब्सोल्यूट मेजर्स। नाउ वी हैव अनदर टर्म दैट इज कॉल्ड रिलेटिव मेजर, एंड रिलेटिव मेजर हमने क्या पढ़ा, दैट इज कोएफिशिएंट। तो अब हम पढ़ेंगे कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। सिंपल है, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1, दैट्स इट। ठीक है, अब जैसे हमने देखिए मीडियन हमने पढ़ा था, दैट मीन्स द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व द मीडियन, दैट इज वी हैव टू अरेंज द डेटा इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो वहाँ पर हम करते थे n प्लस वन डिवाइड बाई टू करते थे, किस केस में करते थे, इन द केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज एंड इन द केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। बट वैन वी हैव कंटिन्यू सीरीज हम क्या करते हैं, n बाई टू करते थे। सिमिलरली हम यहाँ पर भी करेंगे क्वार्टर डिवीजन में, बस यहाँ पर डिफरेंस करते हैं, वहाँ पर करते हैं n बाई टू, यहाँ पर करेंगे n बाई फोर। तो बिकॉज डेटा यहाँ पर डिवाइड किस में, फोर इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, फोर पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पर करेंगे डिवाइड बाई फोर। ठीक है, फर्स्ट स्टेप वही होगा, दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अरेंज डेटा इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। लेट्स डू क्वेश्चन ऑन दिस, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। रोल नंबर गिवन है फ्रॉम 1 to 7, मार्क्स गिवन आपको। अब हमें क्या निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन एंड इसका कोएफिशिएंट निकालना है। कौन सा है डेटा आपका, ऐसे डिस्क्रीट सीरीज है, तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पहले हम अरेंज कर लेते हैं डेटा को, किस में कर लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं मार्क्स अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। मार्क्स मैं देखिए मेरे पास क्वेश्चन में से लिख रहा हूँ, 12, 15, 20, 28, 30, 40 and 50। ऑल राइट, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। देन सेकेंड वन इज, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें देखिए क्या निकालना है, दो टर्म निकालना है, दैट इज Q1 and Q3। ठीक है, Q1 कैसे निकालना है हमें, n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम, मीन्स अगेन ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशनल। ठीक है, एन क्या हो जाएगा, दैट इज यहाँ पर आपका, दैट इज 7+1 डिवाइड बाई 4, दैट इज इक्वल टू सेकेंड आइटम। ठीक है, तो सेकेंड आइटम बन जाएगा। देन इन द केस ऑफ Q3 का फॉर्मूला सेम कुछ नहीं है आपको, बस बाहर 3 करेगा, यानी मन 3 टाइम्स हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो सेकेंड आइटम था यहाँ पर, तो यहाँ पर करेगा 6th आइटम, तो 6th आइटम वुड बी, दैट इज 14। ठीक है, बस Q1 आ गया 15, Q3 आ गया 40। नाउ जस्ट वी विल पुट दिस वैल्यूज इन दी फॉर्मूला। सो अब हमें क्या निकालना है, बेसिकली कोएफिशिएंट निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ QD, दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन, Q3 माइनस Q1 दैट इज 40 माइनस 15, Q3 प्लस 15 दैट इज 40 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 25/55, एंड द फाइनल आंसर वुड बी 0.4555। ऑल राइट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। कंप्यूट कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, मार्क्स गिवन आपको एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, सेम है। अच्छा यहाँ पे आपको, अच्छा सॉरी एक्चुअली जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था वो आपकी इंडिविजुअल सीरीज थी, सॉरी नॉट डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज ये है, कंप्यूट कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल है, पहले आपको डेटा अरेंज करना है इधर इन असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। बट व्हेन वी हैव डिस्क्रीट सीरीज, तो हम कैसे अरेंज करते हैं,
विद द हेल्प ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, आपको लिखना मार्क्स लिखने हैं एक कॉलम में, अनदर कॉलम फॉर फ्रिक्वेंसी दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एंड मेक अनदर कॉलम दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। क्या हो जाएगा आपकी 4, 11, 26, 34, 41 एंड 43। ठीक है, फिर Q1 निकालोगे आप वही सेम फॉर्मूला n+1/4। ठीक है, टोटल वैल्यू क्या है आपकी 43 + 1 दैट इज़ 44 / 1 दैट इज़ 11 टर्म हो जाएगी आपकी। ठीक है, 11 टर्म कैसे निकालोगे विद द हेल्प ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कहाँ पर लाई कर रहा है वो। ठीक है, सो ये दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th सेम है जैसे हमने मीडियन में पढ़ा था, वही आपको पहले Q1 निकालना है, Q3 निकालना है विद द हेल्प ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एंड देन वी विल पुट फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो रहा है, यहाँ पर ये मैं आपको बता देता हूँ। इन द केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज देखिए कैसे करना है आपको। आप पहले तो आप पोजिशनल तो निकाल लोगे, दैट इज़ कोई कोई कौन से आइटम पे लाई कर रहा है। ठीक है, सो अब इस केस में देखिए, जब आप Q1 निकालोगे कि Q1 कहाँ पर लाई कर रहा है, सो आप किस तरीके से निकालोगे, Q1 इक्वल टू वही करेंगे जैसे देखिए L यानी कि लोअर टर्म जहाँ पर वो लाई कर रहेगा, n/4 वहाँ पे क्या करते हैं n/2 करते हैं मीडियन में, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय आई। आई का यहाँ पर दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल। ऑल राइट, सेम है Q3 में क्या होगा, कुछ नहीं करना आपको Q3 में, l+3n/4 दैट्स इट, रेस्ट इज सेम। बस यहाँ से Q1 निकालना, Q3 निकालना, बस सब कोफिशिएंट निकालना, दैट्स इट। आई थिंक दैट इज़ वेरी इजी, आप इजली कर लेना। सो अगेन दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द मीन डेविएशन। मूविंग अहेड दैट इज द थर्ड टाइप ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन दैट इज मीन डेविएशन। First of all, we need to understand why we have these types of dispersion. Because if we see the first two types of dispersion, they doesn't show any like measures of dispersion in a true sense. Because as like I told you earlier, like we always compare the actual data with the mean. But in the first two type of dispersion, that is range and the interquartile range, we didn't take any reflection of mean. हमने mean तो पढ़ा ही नहीं इसमें, mean का reflection पढ़ा ही नहीं हमने, mean का effect नहीं देखा, mean से comparison कुछ नहीं किया, we just studied the basic meaning of range and the interquartile range. But in the case of mean deviation, we can say like there is some much improvement to study the measures of dispersion. अब मेजर्स ऑफ मीन डेविएशन दैट इज़ देखिए नाम से सजेस्ट है, दैट इज़ द एवरेज, इसको एक और नाम देते दैट इज़ कॉल्ड एवरेज डेविएशन। सो इसमें क्या होता है बेसिकली, देखिए हम ना हमेशा याद रखना, जब भी हम ऐसे पढ़ते हैं तो जो डिफरेंस होता है दैट इज़ द एक्चुअल डेटा एंड द मीन, दिस इज़ द मिनिमम, दैट वुड बी हमेशा जो मिनिमम होता है। ये मैं आपको नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन वहाँ पर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। बट हमेशा देखना एक्चुअल डेटा को हम हमेशा मीन से इसलिए कंपेयर करते हैं बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल डेटा एंड द मीन दैट इज मिनिमम, वो कम से कम होता है। दैट मीन्स हम कंपेयर नहीं करते, या तो मोड से नहीं करते, मीडियन से नहीं करते, हम हमेशा मीन से ही करते हैं। क्यों करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, हम पढ़ रहे हैं दैट इज मीन डेविएशन। अच्छा, मीन डेविएशन में देखिए कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन करने में बहुत इजी है इसका। देखिए किस तरीके से करना है आपको मीन डेविएशन। सपोज इफ़ वी हैव द इंडिविजुअल सीरीज,
देन इन दिस केस वी हैव फॉर्मूला दैट इज मीड डिवीजन, कैसे भी लिखेंगे हम, समेशन ऑफ ये अंडर मोड है दैट इज डिवीजन डिवाइडेड बाय एन, डी इज द डिवीजन, डी इज बेसिकली डिवीजन, यहाँ मैं लिख देता हूँ डिवीजन। अच्छा यहाँ पर डिवीजन कहाँ से निकालोगे, डिवीजन फ्रॉम दो तरीके से, इधर फ्रॉम मीन और फ्रॉम मीडियन, चॉइस आपकी है। मीन्स अनलेस अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक ना लिखा हो सो यू मे गो फॉर इधर मीन और फॉर मीडियन, स्पेसिफिकली पूछा है फिर तो जो पूछा है वही करना होगा। बट जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आप खुद एनालाइज कर लोगे दैट द मीडियन वुड बी मोस्ट सुटेबल, क्यों वो मैं आपको भविष्य समझाएंगे। बिकॉज जब मीन करोगे तो उसमें इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू कैलकुलेशन, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट द मीन, एवरेज निकालना पड़ेगा, देन वी टू टेक डेविएशन। बट इन द केस ऑफ मीडियन वी जस्ट सिंपली पुट द फॉर्मूला एंड विद द हेल्प ऑफ एवरेज, दैट इज विद द हेल्प ऑफ पोजिशन एवरेज, वो जल्दी निकल जाता है। ऑल राइट, सो दैट इज मीन डेविएशन। तो अगर हम चलो इसका एक एग्जाम्पल देके हम आपको समझ जाते हैं इसमें क्या है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द मीन डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम द ऑफ द टू इनटू टू ग्रुप्स ऑफ 5 एंड 7। अच्छा टू ग्रुप्स गिवन है 5 एंड 7 के, फर्स्ट गिवन है 4 फ्रॉम 4000 टू 4800 एंड सेकेंड वन इज फ्रॉम 3000 टू 5800। जैसे आप देख सकते हो कि डेटा जो है ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। सो हम क्या करेंगे, जो भी हम डेविएशन लेंगे वो मीडियन से ले लेते हैं, ठीक है, तो हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, सो क्वेश्चन नंबर 6 में देखें आप कैसे करना। आपको ग्रुप 1, देन वी विल टेक डेविएशन, देन ग्रुप 2 एंड देन डेविएशन। ग्रुप 2 की वैल्यू देखिए कितनी कितनी है, 4000, 4200, 4400, 4600 एंड 4800। अब हम मैंने क्या बोला, इसमें करेंगे वालों को पहले आप मीडियन निकालोगे। मीडियन कैसे निकालते हैं, इन द केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज आप कैसे निकालते हो, दैट इज एन प्लस वन डिवाइड बाई टू करोगे, ठीक है। तो मीडियन जब आप पोजीशन निकालो दैट मीन्स एन प्लस वन डिवाइड बाई टू आइटम ऐसे निकालोगे आप। सो कितने ऐड नंबर ऑफ आइटम, दैट इज 5, सो क्या जाएगा आपका 6 डिवाइड बाई टू, दैट इज थर्ड आइटम। तो मीडियन तो आपका क्या जाएगा, दैट इज यहाँ पर मीडियन क्या जाएगा, दैट इज 4400, ठीक है। सो यहाँ पर डी देखिए किस तरीके से निकालोगे आप, डी कैसे निकालोगे, दैट इज एक्चुअल, दैट इज जो आपके पास है एक्स माइनस आपका क्या रहेगा मीडियन, और आपको साइन इग्नोर करना है बिकॉज यहाँ पर डी इसमें डिवीजन के बजाय मोड में है, ठीक है। सो सिंपल सिंपल करेंगे 4000 minus 4, 4400, 400, 200, 0, 200 and 400। ऑल राइट, नाउ दी टोटल वुड बी 1200। अब आप देखिए अगर आप इसको मीन से कर दे तो कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो जाती, ठीक है, टाइम भी ज़्यादा लेता हूँ। सो इट्स बेटर टू टेक मीडियन। इसकी वैल्यू देखिए क्या कहती थी, 3000, 4000, 4200, 4400, 4600, 4800, 5800। यहाँ पर सीरीज है n इक्वल टू वुड बी 7, ठीक है। सो यहाँ पर मीडियन कैसे निकालेंगे, अब हम मीडियन फॉर ग्रुप 2 दैट इज 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 दैट वुड बी फोर्थ आइटम, एंड एज पर फोर्थ आइटम द मीडियन वुड बी अगेन 4400। ऑलराइट, सो 4400 डिफरेंस देखिए यहाँ पर 1400
400, 200, 0, 200, 400, 1400. Now take summation of this, total would be 4000. ठीक है, अब हम निकालेंगे मीन डेविएशन. ग्रुप वन मीन डेविएशन कैसे निकालना है, समेशन ऑफ डेविएशन डिवाइड बाय एन, सो दैट वुड बी 1200 डिवाइड बाय 6, दैट इज इक्वल टू 200, सॉरी दैट इज 5, सो दैट वुड बी 240. देन इन द केस ऑफ ग्रुप टू, हाउ टू कैलकुलेट मीन डेविएशन अगेन विद द हेल्प ऑफ सेम फॉर्मूला, सो दैट वुड बी 4000 डिवाइडेड बाय 7, सो दैट वुड बी 571.43. दिस इज द वे टू कैलकुलेट मीन डेविएशन. एंड I'll tell you once again that always take deviation from median if the question is silent. So we have covered mean deviation in the case of individual series. Now in the case of discrete series, how to calculate mean deviation? Bahut simple hai. Dekhiye yahan par mean deviation kaise nikalna hai. Mean deviation would be समेशन ऑफ यहाँ पर एफ आ जाएगा, दैट्स इट डिवाइडेड बाय एन. ऑलराइट, अच्छा मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना भूल गया, ये तो आपने कहा था रिलेटिव सॉरी एब्सोल्यूट टर्म में, पूछा तो नहीं हमने क्वेश्चन में, बट अगर मान लीजिए रिलेटिव टर्म में पूछा तो हम क्या निकालते हैं, कोएफिशिएंट भी निकाल लेते. कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन दैट इज इक्वल टू मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय, अगेन यहाँ पे कुछ भी कह सकते हो, इधर मीन और मीडियन. ठीक है, अब हमने इस क्वेश्चन में हमने मीडियन लिया था, सो अगर मैं इसका अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए मीन डेविएशन कितना निकाला, दैट इज 571.43 डिवाइडेड बाय 4400 आपका मीडियन आया था, so that would be 0.13, that's it. So this is the way of calculating relative measure, that is coefficient of mean deviation. And this is the discrete series. Iska question hoga aapka, haan ji. Question number 7, calculate mean deviation from the following series. Ab again aapko main bolunga kisne nikalonga with the help of median. सो यहाँ पर आपके जब हम डिस्क्रीट सीरीज करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ऑलराइट, सो दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू. नाउ मूविंग अहेड, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. नाउ वी हैव कंटिन्यूस सीरीज, मार्क्स दैट इज 0 टू 10, 10 टू 20, एंड द लास्ट वन इज दैट इज 60 टू 70. नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू यू. सो इन द केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज वी हैव सेम फॉर्मूला, ये सेम फॉर्मूला होता है बट माइनर डिफरेंस है. माइनर डिफरेंस क्या आता है, इन द केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज मीन डेविएशन इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पर आई आ जाता है, आई दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल. ओके, let's solve this question, that is question number 8. Marks given hai, and frequency given hai. Marks given hai from 0 to 10. लास्ट वन है 60 to 70, एंड देन वी हैव फ्रीक्वेंसी 4, 6, 10,
20, 10, 6 and 4. Now, in the case of continuous series, जो हम deviation लेंगे, वो हम किस तरीके से लेंगे deviation? यहाँ पर हम क्या लेंगे? Middle value से, ठीक है? Middle value से लेंगे, that is middle value minus median. Middle value minus median divided by I. That would be deviation. Okay? So, पहले हमें middle value निकालने पड़ेगी for each class interval. So, 5, 10, 15, 25, 30, 35, 40. Then, D that is under mode में हमें D निकालना है, ठीक है? उसके लिए हमें क्या चाहिए? That is, हमें चाहिए या तो mean निकाल लो, या तो फिर हम median निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, ठीक है? चलो इसको हम mean से कर लेते हैं, ठीक है? Mean कैसे करना है? Shortcut form में कर लेते हैं, that is mean equal to A plus sigma F D divided by N into में I, ठीक है? हम assume कर लेते हैं middle value, that is हम कर लेते हैं दैट इज 35, 35 लेट कर लेते हैं. सो 35 प्लस सिग्मा एफ टी चाहिए हमें, एफ इंटू डी. अच्छा, हमें डी भी निकालना है इसमें. सो डी निकालते हैं. डी कैसे निकालेंगे? एम माइनस 35 डिवाइडेड बाय 10. सो दैट वुड बी माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, जस्ट वन. आई थिंक मैंने मिडिल वैल्यू मिस्टेक निकाल दी. मिडिल वैल्यू होगा आपकी 5, 15, 25, 35, 45, 55 एंड 65. अब हम लेंगे मिडिल वैल्यू दिस 0, 1, 2, 3 एंड देन विल टेक सम मेश प्रोडक्ट ऑफ एफ इनटू डी. सो दैट वुड बी माइनस 12, माइनस 12, माइनस 10, 0, 10, 12, 12. Now the summation would be 0. So यहाँ पर 0 ही आ जाएगा आपका, divided by and that is the total of frequency, that would be 60. That is equal to 35. तो मेन क्या आपका 35? मेन क्या आपका 35? सो डी निकाल लेते हैं. अब डी कैसे निकालेगा? मैंने आपको बताया था दैट इज एम माइनस मेन. मेन क्या आपका 35 डिवाइडेड बाय 10. इसको मोड में ले लेंगे, ठीक है? सो सेम आएगा दैट इज 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3. टोटल वुड बी 6. अच्छा सॉरी, हमें तो एफ इंटू डी निकालना है ना. सो दैट वुड बी 12, 12, 10, 0, 10, 12, 12. टोटल वुड बी 68. सो मीन डेविएशन किस तरह से निकालेंगे? अब समेशन ऑफ एफ इंटू डी डिवाइड बाई एन इंटू में आई. 68 डिवाइड बाय 60 इंटू में 10, दैट वुड बी 11.33. सो दिस इज द फाइनल आंसर. सो दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग मीन डेविएशन. सो इन दिस वीडियो लेक्चर वी हैव कवर्ड थ्री टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, दैट इज रेंज, इंटरक्वार्टल रेंज एंड द मीन डेविएशन. Right, I hope you have understood very well. Thank you.